मौलाना साद सलाखों के पीछे नहीं होगा तब तक उसे गुनाहों जब तक उसे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, ये साद के खिलाफ मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा। भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। बस्ती में देखने जाना है यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद देखने जाना तुम लोग, नहीं तो मार वाले ठीक कर देंगे। 5 हफ्ते के भीतर 271 मीडिया प्लेटफॉर्म से तबलीगी जमात से संबंधित 11,074 रिपोर्ट मिली। हमारे देश में मीडिया कुछ मुद्दों को आग की तरह फैलाने की कोशिश करता है, जिससे समाज में नफरत तक फैल सकती है और फैलती भी है। ऐसा ही एक माहौल कुछ महीने पहले तबलीगी जमात को लेकर हुआ था। दिन प्रतिदिन मीडिया तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मानने लगा, पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से तबलीगी जमात को लेकर एक फैसला सुनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। आपको याद होगा रोज मीडिया का कोई ना कोई एंकर इस मुद्दे पर जोर दे रहा था, अगर नहीं याद तो ये देखिए। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है कि जब तक ये मौलाना साद, ये घोटालेबाज हत्यारा मौलाना साद सलाखों के पीछे नहीं होगा तब तक उसे गुनाहों जब तक उसे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये साद के खिलाफ मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा। कैसे कुछ लोगों ने लॉकडाउन से जो हासिल हुआ था उस पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली के बीचों बीच हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है, नियम कानून और सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और फिर इस तबलीगी जमात का एक बड़ा नाम मौलाना साद फरार हो जाता है। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। जहां अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरेंगे तो आपको कैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। धर्म की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। मीडिया की इस स्टोरी को सरकार का भी काफी सपोर्ट मिल रहा था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य अधिकारी ने ये माना था कि कोरोना फैलाने की वजह तबलीगी जमात ही है। तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। कई न्यूज एंकरों ने तो तबलीगी जमात को तालिबानी जमात पे बोल दिया और किसी एंकर ने तो इसमें पाकिस्तानी लिंक तक ढूंढ निकाला था। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई अपने कान का इलाज करवा लीजिए। देश की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। हमारे पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची। इन सब का असर भी देखने को मिला है। जो मुस्लिम गरीब सब्जी बेचने वाले जब गली मोहल्लों में सब्जी बेचने जाते थे तो उनसे उनके मजहब पूछकर उन्हें भगा दिया जाता था। यही कारण था कि सब्जी वाले या अपना हिंदू नाम बताते थे या चुप ही रहते थे। भाग का रहे वे? भाग का रहे हो? आ क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ। क्या नाम? नाम बताओ अपना। नाम क्या बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। राजकुमार नाम है तुम्हारा।
साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती कैसे हो गई भैया आप? क्या चाह रहा था बताओ। मैं ठीक अपने हूँ। अरे सुनो मेरी बात, आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं, तो 40 लोग 100 लोग मिलके नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। तुम ये इनको चाट चाट के लोगों को बेच रहे हो, चाटने के बाद इसमें भी थूका है ना, फैला रहे हो तुम, इसमें भी थूका है ना, उसके बाद इसमें थूका है कि नहीं थूका? हटा, नाम हटा। क्या चाहते, क्या हो भैया, ये बताओ। ठीक है दादा, क्यों हुआ कंसेप्ट? नहीं, तू कुल मिला के नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? मेरा नाम जावेद। पहले क्या बताया था? संजय बताया था भैया नाम। बॉम्बे कोर्ट ने शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। भारत में संक्रमण के ताज़े आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिया जाने चाहिए थे। विदेशियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर पश्चाताप करना और शत पूर्ति के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर करूर दर्शन ने अपने ट्विटर पर 15 जून और 15 अगस्त 2020 के बीच में मेनस्ट्रीम मीडिया में हुई बहसों का एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े में 386 डिबेट्स मीडिया में अन्य मुद्दों पर हुई और सिर्फ एक डिबेट कोरोना पर हुई। इससे साफ पता चलता है कि मीडिया कोरोना को लेकर कितना चिंतित है। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में कुछ आंकड़े दिए जिसमें तबलीगी जमात पर अप्रैल के दौरान ही कितने आर्टिकल लिखे गए ये बताया। सौंदर्या अय्यर और शोएबल चक्रवर्ती के रिसर्च की यह खबर 7 अगस्त को हिंदू बिजनेस लाइन में छपी है। ध्यान रहे, इस रिसर्च में न्यूज चैनल के कवरेज शामिल नहीं है। 5 हफ्ते के भीतर 271 मीडिया प्लेटफॉर्म से तबलीगी जमात से संबंधित 11,074 रिपोर्ट मिली है। इनमें से 94% अंग्रेजी में छपी है। 2 अप्रैल को तबलीगी जमात को लेकर सबसे अधिक स्टोरी छपी थी। मीडिया क्लाउड टेक्नोलॉजी से पता चला है कि उस दिन 1,451 रिपोर्ट छपी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 हफ्तों के दौरान 1,863 स्टोरी मिली है, जिन्हें फेसबुक पर 319,877 बार शेयर किया गया। गूगल ट्रेंड के जरिए भी पता लगाया गया कि तबलीगी जमात को लेकर इन्हीं 5 हफ्तों में खूब सर्च हुआ है। आज भी हमारा मीडिया कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई पर तो ध्यान नहीं दे रहा। आज मीडिया किसी और ही मुद्दे में व्यस्त है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मीडिया में इस पर रिपोर्ट नहीं की कि तबलीगी जमात ने कुछ नहीं किया था। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया देश में नफरत फैलाने की बजाय देश के आर्थिक मुद्दों पर सरकार से सवाल करेगा और परेशानियों को हल कराने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.